अनंत बार मिले, ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि सही गुरु ही नहीं मिला कभी, इसीलिए भगवान का ज्ञान नहीं हुआ। गुरु तो अनंत बार मिले लेकिन हम नहीं मिल सके उनसे, यानी हमारी जो शरणागति होनी चाहिए, हमारे मन का जो टच होना चाहिए उनके साथ, टच का मतलब शरणागति, मन बुद्धि का समर्पण। क्योंकि ये मन प्रत्येक कर्म का कर्ता केवल मन ही है। मनेव मनुष्याणां कारणं बंधु मोक्षयो पंचदशी। प्रत्येक कर्म का कर्ता मन है, संसार में आसक्त होने वाला भी मन, और इसी को विरक्त भी होना है, और गुरु के शरणागत भी इसी मन को होना है। तो ये मन कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि हमने इसको उठाया और गुरु से छुआ दिया और हो गया टच, ये नहीं, ये तो सूक्ष्म वस्तु है। तो टच होने का मतलब शरणागति, समर्पण। जब तक वो नहीं होगा तब तक काम नहीं बनेगा। जैसे देखिए पारस, वो क्या करता है, वो लोहे को सोना बना देता। कैसा भी लोहा हो, पारस से छूते ही वो सोना बन जाता। लेकिन अगर पारस, उसको आप एक लकड़ी की डिबिया में बंद कर दीजिए, लोहे का एक टुकड़ा लीजिए, उसको भी आपने एक लकड़ी की डिबिया में बंद कर दिया, और अब दोनों को छुआइए, तो क्या वो लोहा सोना बन जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों डिबिया में है, लकड़ी का स्पर्श हो रहा है। अब आपने पारस को निकाल दिया लकड़ी की डिबिया से बाहर, लेकिन लोहा अब भी डिबिया में है, अब आप छुआइए, क्या अब सोना बनेगा? नहीं, वो अब भी सोना नहीं बनेगा। अब लोहे को निकाल दीजिए डिबिया से बाहर और पारस को डिबिया में रख दीजिए, अब छुआइए, क्या अब सोना बनेगा? अब भी सोना नहीं बनेगा। अच्छा, अब आपने दोनों को डिबिया से बाहर कर दिया, पारस को भी लोहे को भी, और अब दोनों को पास पास रख दीजिए, तो क्या अब वो सोना बनेगा? लोहा नहीं। अच्छा, अब और पास ले आइए, बिल्कुल पास रख दीजिए, क्या अब लोहा सोना बन जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो पारस से लोहे का टच होना चाहिए, उसको छुआना पड़ेगा। जब तक वो टच नहीं होगा तब तक वो सोना नहीं बनेगा। बाल भर का भी गैप न हो, वो लोहा पारस को छू जाए तब वो सोना बने। तो ऐसे ही हमारा मन वो महापुरुष के, संत के शरणागत हो जाए, तब काम बनेगा।